तो मारा हूँ ना पीटा हूँ। ये जो है मुझे 19 तारीख को आई थी और 20 तारीख को 9 बजे इसके भाई के साथ 1,36,000 रुपया जो है हाँ मीटिंग से उठा के पैसा टोटल पैसा हम दिए हैं। ये है एक महीना मीटिंग कल सदाने के सारा सामान बेच लिया। सही बात है, साइकिल उकल का बेच लिया नहीं सर। क्या क्या हुआ था जी, ये जो बयान आपको दे रहा है सही सही वो मारते पीटते क्यों मारते पीटते? नहीं बिल्कुल गलत बात है, नहीं मैं इसको मारा हूँ ना पीटा हूँ। ये जो है मुझे 19 तारीख को आई थी, ठीक है ना। खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए, पूरा अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, पूरा देख रहा है, दुनिया देख रहा है। बोले 19 तारीख को आई थी और 20 तारीख को 9 बजे इसके भाई के साथ आई थी 19 तारीख को, वो चली गया। उसके बाद ये मेरे साथ जो है आंदोलन करने लगा, मारपीट हमारे साथ करने लगा, ठीक है। ये जो है 1,36,000 रुपया जो है हाँ मीटिंग से उठा के पैसा जो है, ये क्या किया हम तो ये नहीं बोल सकते, ये उठाई ना, ये अगर माँ बाप को दो या किसी को दो ये इसने दिया, और मीटिंग वाला को बोलता है कि हमको मीटिंग उठा के देने के बाद पति को देता है पैसा, पति देगा तभी ना पति मीटिंग में भराएगा जी। इसको टोटल पैसा हम दिए हैं, ये है एक महीना मीटिंग कल सदाने के जब हम मायके चले गए थे हादसे में 4 मार्च को, तो फिर मीटिंग के समय तो बोलता है कि सारा सामान बेच के मैं मीटिंग दे देता हूँ, अब पैसा इसको मैंने सब ऊपर ठीक है खाली साइकिल बेच दिया और सारा सामान बेच लिया। सही बात है, साइकिल उकल का बेच लिया? नहीं सर सुनिए, तो सामान दुकान में नहीं है, नहीं था, अपना माँ को दे दिया इन्होंने पैसा। चुप हो जाए, इनका भी हम सुन रहे हैं क्या? सही बात है, साइकिल उकल नहीं, देखिए साइकिल में नहीं बेचा हूँ, मीटिंग भरने साइकिल ही नहीं बेचा हूँ, साइकिल तो 2000 में खरीदा था, 1500 में बेचा हूँ। ये जो समूह जो उठाए हैं वो ये महिला जो है समूह उठाया, ठीक समूह उठाया, तो वो जो पेमेंट जो निकला है और पेमेंट जो किस्ती बनता है वो जमा कौन कर रहा है वो हम पूछ रहे हैं अभी फिलहाल। तो हम कमा के देहात करके जमा करते थे, जब हादसे में चल गए एक महीने का मीटिंग नहीं दे पाए, और उसके बाद क्या बोलता है फोन करके तुमको बर्बाद कर देंगे, सब सामान ये लोग माई भाई मिल के गोतनी छोटकी गोतनी मिल के सब सामान चोरा लिए, ताला तोड़। सही बात है, अब ये इसी अंदाज से आप ना बताइएगा, आपके यहाँ हम आए आप ना बताइएगा, ये इसको बोलिए कि कागज निकालने के लिए वो सब ठीक है, कागज मीटिंग वो नहीं जानते हैं, इन परिवार है आपका और बच्चा है, इनको अच्छा से रखिए, मारपीट नहीं करिए, थाना में केस जाएगा, मामला बढ़ जाएगा। ये बतलाइए ये चली जाएगी हाँ मायके चली जाएगी तो मेरा भावो जब खाना बनाएगी तो क्या मैं भावो से फंस गया? नहीं ये तो गलत बात है, ये तो खाना तो मेरे सामने बोलता है कि सिखाते कि भाभी को आप मारिए हम आपको सपोर्ट देते हैं, ऐसे कहता है खाना मेरे सामने रहते हुए मेरे क्षेत्र रहते हुए उससे मांग के खाएगा, हम बनाएंगे नहीं खाएगा मेरे हाथ से, तो कैसा लगेगा, कहेगा भाभी को तुम मारो माई को भाई सब मिल के। सही बात है, देखिए अभी बतलाते हैं सुबह में हम अब बतियाने नहीं देगा, इससे पहले बात कर लीजिए। अभी सवेरे में आया हूँ, मेरा ठेकेदार आया था, मैं हलवाई के काम करते हैं, मेरा पास दुकान तो है नहीं, सारा दुकान के तो पूंजी तोड़ दिए, मैं हलवाई वाला काम कर रहा था, सुबह में 6 बजे आया ठेकेदार आया तो उसने मुझको पैसा दिया, तो मैंने पूरा राशन पानी सब ला कर दिया, इसको मैं बोला खाना बनाने के लिए, ठीक है सिलेंडर गैस भरवाने के लिए भी दिया पैसा, ठीक है ना, कि तुम खाना बना कल माँ से जो है ये तो बोले गैस उस ला कर हम दिए थे तो खाना नहीं बनाया है क्या कर दिया ला के दिया को अब 100 रुपया कभी कभी देता है तब हम भराए, तो हम अपना भाई है तो भाई से मांग के उसको खाना खिलाए नाश्ता पानी खिलाए तब हम गैस भरवाए, वो गैस था मेरे पास उसी पास सुबह में कभी काल देता है कभी काल नहीं देता है, बड़ा गैस उसी तरह पड़ा है, बड़ा सिलेंडर एक दिन भरवा के चले गए थे वो भी बेच दिया था सब लोग मिल के पूरा भाई सिलेंडर बेच दिए हैं, सिलेंडर है किचन में लगा हुआ है कि नहीं, हाँ किचन में लगा हुआ, अब जितना आमदनी करेंगे तो उस हिसाब से खर्चा करेंगे ना जी, हमको 1 रुपया का आमदनी है तो 1 रुपया में चले। अभी आपका जो है ज्वाइंट फैमिली है साथ में खाना नहीं, उना नहीं सब अलग अलग, मेरी माँ बहन मेरी माँ भाई भाबो अलग रहता है, हम अपना परिवार माँ को काहे नहीं साथ में रखते हैं, सास को काहे नहीं साथ में, छोटकी को पतों के साथ रहती है, हम बोलते हम जो भी हमको जुड़ता है हमको तो अलग कर दिया, हमको पति भी नहीं देता है कमा के, कभी देता है कभी नहीं, देहात बाजार कर खाते, लेकिन जो भी खाना बनाते उसको आगे में हम देते, वो बोलते हम नहीं खाएंगे ना खाएंगे, मेरा दोस्त ने अपना फर्ज हम छुड़ा लेते हैं, जो भी रूखा सूखा बनाते हैं 3 बाल बच्चे लेके जीते अकेले, एक आदमी कमाने वाला है, अब बताइए हम कहाँ से पूरी करें, उसका बेटा पति नहीं, क्या हुआ पापा नहीं देते हैं
मेरे चाचा चाची का शादी हो गया ना, तभी मेरी बुआ दादी सब अलग करवा दिया था, इसलिए मेरी दादी उसी टाइम फिर झगड़ा होने लगा उसी घर से निकल जा।